जम्मू कश्मीर में भारतीय जवानों की शहादत के पीछे 13 साल पुराने खूंखार आतंकी का हाथ। भारतीय सेना की हिटलिस्ट में नंबर वन पर आया यह खूंखार आतंकी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, चलिए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। दरअसल पुंछ सेक्टर में आज से कुछ दिन पहले हमारी भारतीय सेना के 9 जवान शहीद हो गए थे और उनको शहीद करने के पीछे एक 13 साल पुराने खूंखार आतंकी का हाथ बताया जा रहा है, जिसका नाम रफीक नायक है और यह पुंछ के उपजुले मेंढर के एक गांव नक्का का रहने वाला है, जो कि पुंछ सेक्टर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और इसी जंगल में भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारी भारतीय सेना के 9 जवान शहीद हो गए थे अभी हाल फिलहाल के दिनों में। और दोस्तों, अब भारतीय सेना ने इस खूंखार आतंकी को अपनी हिटलिस्ट में नंबर वन पर रख लिया है, क्योंकि खुफिया विभाग के हिसाब से माने तो इस खूंखार आतंकी ने 13 सालों के अंदर एक खतरनाक आतंकी फोर्स का गठन किया, जिसका नाम गजनवी फोर्स बताया जा रहा है और उसी के जवान अभी हाल फिलहाल में पुंछ के सेक्टर वाले जंगल में देखे गए हैं और जिनके साथ हमारे भारतीय जवान मुठभेड़ कर रहे हैं। और जो अभी जवान शहीद हुए थे हमारे 9 की संख्या में पुंछ सेक्टर में, उस हमले की जिम्मेदारी गजनवी फोर्स के द्वारा ली गई है और गजनवी फोर्स को सीधे तौर पर ISI कंट्रोल करता है इस खूंखार आतंकी के द्वारा। दरअसल दोस्तों, 2008 में भी भारतीय सेना के द्वारा ऐसे ही कई सारे सूरों को ठोका गया था जम्मू कश्मीर में, जिसमें बताया जा रहा है कि इस खूंखार आतंकी रफीक नायक के कुछ अपने रिश्तेदार वगैरह भी शामिल थे और यह भी आतंकियों के साथ मिला हुआ था। इसके बाद फिर भारतीय सेना ने इसके ठिकानों और इसके साथियों के ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें यह अकेला बच गया और POK चला गया, बाकी इसके सारे जो साथी थे वो जहन्नुम भेज दिए गए। और दोस्तों, POK में यह कई साल तक रहा और वहां पर पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज के द्वारा इसे ट्रेनिंग दी गई और सीधे इसे ISI के कंट्रोल में ले लिया गया। और बीते 13 सालों में इसने जम्मू कश्मीर के साथ साथ POK के भी कुछ युवकों को अपने साथ मिला लिया है और खतरनाक आतंकियों की एक फोर्स बनाई है, जिसका नाम गजनवी फोर्स बताया जा रहा है। और इसी ने अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उनको अंजाम दिया है। तो दोस्तों, खुफिया विभाग के हिसाब से माने तो अभी हाल फिलहाल में यह रफीक नायक जो खतरनाक आतंकी है वो अभी जम्मू कश्मीर में ही छिपा हुआ है और भारतीय आर्मी के द्वारा इसको ठोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है, क्योंकि यदि एक बार ये ढेर हो जाता है तो जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी हैं वो अपने कमांडर की अनुपस्थिति में ऑटोमेटिकली हथियार डाल देंगे और भारतीय सेना उनको आसानी से ठोक डालेगी। बाकी जम्मू कश्मीर की पल पल की अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।